एवरीवन आपका भाई इम्तियाज़ वन से गेंद एक अच्छी सी वीडियो के साथ आज करेंगे बल्किंग की बात वेट गेन की बात वेट लॉस के तो बहुत सी वीडियोस बना ली तो लोगों ने कहा कि अम्तियाज़ भाई कुछ वेट गेन के बारे में बताएं क्योंकि बहुत से लोग स्किन ही हैं यार अच्छे दिखना चाहते हैं हम जब वो कपड़े पहने तो अच्छे तो लगे ना सो मैंने सोचा यार एक वेट गेन के बारे में आज वीडियो बनाते हैं एक कंप्लीट डिटेल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ देखिए बहुत से लोग वो के माइंड में होता है कि वो बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो मोटे होंगे समझ आ गई फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लोग कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो मोटे नहीं होते ठीक है या कुछ लोग बहुत कम खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं ठीक है मेन रीज़न होता है आपके हारमोन्स का कुछ लोगों के हारमोन्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको वो कुछ भी खाएं उनको लगता नहीं है ठीक है तो अगर ऐसा इशू है तो चेक विद द डॉक्टर ठीक है बहुत से लोग कहते हैं मैदे में गर्मी है मैदे में तजाबीयत है मैदा खराब है इसलिए इसको नहीं लगता मैदा हैव नथिंग टू डू विद दिस ठीक है गो एक हार्मोन का अपना टेस्ट करवाएं ठीक है चेक करें कि अगर आपके हार्मोन ठीक है अगर फिर आपको खुराक नहीं लग रही तो ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ इसको फॉलो करें इनशाला आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे ठीक है तो बैक टू तो टॉपिक आते हैं कि आपका वेट गेन क्यों नहीं होता बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं इम्तियाज भाई हम बहुत कुछ खाते हैं इतना ज्यादा खाते हैं हमारा वेट गेन नहीं होता ठीक है या बहुत से लोग कहते हैं इम्तियाज भाई हम कुछ भी खाएं हमारा वेट गेन नहीं होता ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप कुछ भी खाएंगे वो कुछ जो है वो क्या है उसकी न्यूट्रिशन क्या है जो फूड आप खा रहे हो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, है कितना फैट है कितना प्रोटीन है ठीक है चलें मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा ईजी वे से समझाता हूँ देखिये जब आप कुछ भी अपनी बॉडी को देंगे वो कुछ भी आप जाकर वॉशरूम में निकाल लोगे फॉर एग्जाम्पल आप प्लेटें भर भर के खा रहे हो चार चार तीन तीन रोटियां खा रहे हो कि मैं मोटा हो जाऊं ठीक है दो दो तीन तीन प्लेटें चावल की खा रहे हो कि मैं मोटा हो जाऊं उससे क्या होगा आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है देखें फूड आपकी आप फूड खाते हो आपके स्टमक में जाता है डाइजेस्ट होता है देन वो प्रोसेस करता है ग्लूकोज ठीक है सो so, वो एक कंप्लीट प्रोसेस है ब्रोकन डाउन होता है तो जब आप मैदे पर बहुत ज़्यादा बोझ डालते हो आप मैदे को बहुत ज़्यादा फूड देते हो ठीक है तो आपका मैदा क्या करता है जिस उससे जो मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है जो ताकत चाहिए होती है साफ़ लफ्ज़ों में बताऊंगा जो ताकत चाहिए होती है वो आपकी बॉडी को नहीं मिलती न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिलती ठीक है क्योंकि आप इतना ज़्यादा एक एक टाइम में इतना ज़्यादा फूड अपनी बॉडी को दे रहे हो तो वो आपकी आ, स्टमक क्या करता ठीक है एक तो उसका थोड़ फ्रोड़ जो होती है उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं करता और जाके आप वाशरूम में थोड़ी देर बाद ठीक है आप निकाल देते हो सो so, इतना ज़्यादा खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा आप क्या खा रहे हो इससे आपका वेट गेन होगा अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके मैदे पे बोझ हम जो कहते हैं यार मैदे पे बोझ है ठीक है मैदे पे बोझ आएगा आपका मैदा ठीक से काम नहीं करेगा और एक तो आपका मैदा खराब होगा और दूसरा आपका वेट गेन नहीं होगा जाके आप वाशरूम में निकाल देगा तो वेट गेन का एक सिंपल प्रोसीजर है आपने करना क्या जो भी आप खा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेट गेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ठीक है और हेल्दी फैट हेल्दी फैट की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार लिख लें गूगल पे कॉम्प्लेक्स कार उसके बाद हेल्दी फैट नंबर टू आप लिख लें हेल्दी फैट किस में नंबर थ्री प्रोटीन एग चिकन भी फिश ठीक है और फाइबर ये चार चीज़ों से अपने मिलकर डाइट बनानी है नंबर वन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार ठीक है नंबर टू हेल्दी फैट ट्वेंटी ग्राम ईच मील में नंबर थ्री पे आता है प्रोटीन ठीक है अगर आप का 200 ग्राम फॉर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें तकरीबन 130 ग्राम आपका प्रोटीन होना चाहिए ठीक है मैं मील की बात कर रहा हूँ उसके बाद फाइबर फाइबर का मतलब होता है वेजिटेबल सो इन चीज चीज़ों से मिलाकर आप अपना मील बनाएं अब आपने करना क्या है एक तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना दूसरा अपने मील को डिवाइड कर देना डिवाइड क्या करना दो तीन घंटे बाद आपने लाजिम खाना है ठीक है और खाना कितना है इतना सा इतना नहीं जो इतना सा आप अपनी बॉडी को देंगे थोड़ा सा ज्यादा करके ना यानी कि जहाँ आप दो प्लेटें खा रहे थे वहां एक प्लेट अगर आप अपनी बॉडी को देंगे आपकी बॉडी क्या करेगी उससे डाइजेस्ट अच्छी तरह करेगी आपका थोड़ फोड़ जो होता है अंदर ठीक है आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं स्टमक में वो उसको अच्छी तरह तोड़ फोड़ करेंगे उस उनके लिए काम काम करने में आसानी होगी जब आप तीन तीन प्लेटें देते हैं उनको काम करने में मुश्किल होती है तो हमारे ह्यूमन बॉडी को समझें अपना फूड वेस्ट मत करें छोटे छोटे मील लें ठीक है जहाँ दो प्लेटें खा रहे थे वहाँ एक प्लेट खाएँ समझ आ गई बट वक्फे से खाएं दो घंटे का, का गैप दे दें तीन घंटे का गैप दे दें ठीक है इसी तरह आप अपने पाँच से छः मरतबा लाजम खाएं होगा क्या जब अपनी खाने में गैप दोगे आपके स्टमक को टाइम मिलेगा ठीक है उससे न्यूट्रिशन हासिल करने का आपके स्टमक को टाइम मिलेगा एक तो उस आपके स्टमक के लिए इजी होगा उसको डाइजेस्ट करना और उससे न्यूट्रिशन हासिल करना इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम खाएं कम का मतलब कि कम खाएं एक मील में फिर उसी मील को आप डिवाइड कर लें छः टाइम खाएं दिन में थोड़ा थोड़ा करके दो दो घंटे बाद इन आपको इस चीज़ से लाजम फ़र्क पड़ेगा और एक और लिक्विड फॉर्म का यूज़ ज़्यादा करें स्मूथी बना सकते हैं आप बनाना शेक बना सकते हैं आप ठीक है बनाना में दो स्पून पीनट बटर डाल लें एक और चीज़ हाँ बहुत से लोग काजू डाल लेते हैं बादाम डाल लेते हैं अखरोट डाल लेते हैं ऊपर दूध डाल लेते हैं पीनट बटर डाल लेते हैं फिर बनाना डाल लेते हैं फिर प्रोटीन पाउडर डाल लेते हैं इट्स बुलशित आपकी कंपेसिटी जितनी है मैदे की उसको उतनी ही कैलोरीज दें बाकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो आपकी वेस्ट जाती है ठीक है तो आपने करना क्या एक स्पून आपने पीनट बटर बनाना तीन चार एक दूध का गिलास अगर आपके पास प्रोटीन है एक स्कूप प्रोटीन दैट्स इनफ शहद वो बादाम अखरोट इधर उधर ये चीजें नहीं डालनी इससे आपका वेट नहीं गेन होगा आपका मैदा ही खराब होगा क्योंकि हमारी जो बॉडी में ठीक है फैट की तकरीबन क्वांटिटी होती है ईच मील में ट्वेंटी ग्राम टेन ग्राम तो आप इतना ज़्यादा फैट एक ही टाइम पे दे रहे हो हेल्दी फ़ैट जैसे बादाम काजू ये सारे हेल्दी फ़ैट है दूध भी हेल्दी फैट है अगर आप इतना ज़्यादा दे रहे हो आपका इम्यूनिटी और मेटाबोलिज्म जो होता है वो वीक हो जाता है सो एक ही आपने स्पून या पीनट बटर डाल लें उसमें एक स्पून या थोड़े से बादाम डाल लें अगर बादाम नहीं है तो काजू डाल लें पर एक चीज़ डालनी है इतना ज़्यादा नहीं करना कि अपने मैदे के ऊपर बोझ डालोगे क्या न्यूट्रिशन मिलेगी जाके वाशरूम में निकाल दोगे अपना फूड ज़ाया करोगे सो so, स्मूथी ज़्यादा से ज़्यादा पियो जैसे मैंने आपको कहा बनाना की स्मूथी बनाकर एक उसमें प, आ, जो है वो पीनट बटर का स्पून डाल लें ठीक है एक दूध का एक गिलास डाल लें और साथ एक स्कूप प्रोटीन पाउडर डाल लें दैट्स इनफ कोई चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं है इसी तरह दो तीन मरतबा जो है वो दिन में इसको पिए यू विल गेट द रिजल्ट और साथ अपने मील रखें छोटे छोटे मील तीन घंटे बाद आपने खा लिया फिर तीन घंटे बाद आपने खा लिया फिर तीन घंटे बाद आपने खा लिया आपको दिनों में फ़र्क नजर आएगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा खाने से आप वेट गेन नहीं करोगे आप वेस्ट करोगे खाना जाकर वाशरूम में नहीं लोगे जब आप छोटे छोटे मील लोगे अपनी बॉडी को टाइम दोगे डाइजेस्ट करने में उसको उससे न्यूट्रिशन हासिल करती है आपकी बॉडी फिर जाकर आप अपना वेट गेन करते हो और हाँ खाने को चबाएं ये बत्तीस दवाओं अल्लाह ने दी है ना तो इसको बत्तीस बार एक नवाले को चबाएं ताकि उससे आपको न्यूट्रिशन मिले और आपकी जो स्टमक के अंदर जब आप फूट जाता है तो उसके लिए थोड़ फोड़ जब होती है उससे न्यूट्रिशन आती है और हासिल होती है उसके लिए आसानी हो ठीक है सो so, जुड़े रहें इस यूट्यूब चैनल से इन आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है और एक और चीज़ जिम जाएँ बहुत से लोग कहते हैं यार अगर जिम जाने से हमारा वेट जो है वो कम है और कम हो जाएगा जिम जाने से आपका वेट कम नहीं होगा आपका वेट गेन होगा वो किस तरह होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कंप्लीट डिटेल से कि वेट गेन के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजें करनी चाहिए खुश रहें और दुआ में याद रखें और पूरी वीडियो देख लेते हो आप लाइक भी नहीं करते यार लाइक और शेयर तो कर दिया करो टेक केयर स्टेपल्ला हाफ़ खुश रहें